जय श्री राधे। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को नज़र लग जाती है, किसी बच्चे को नज़र लग जाती है, कभी ऐसा होता है खुद को भी लग जाता है, भगवान न करे ऐसा समय किसी को आए, अगर ऐसा किसी को नज़र लग जाता है कभी, तो मैं आज एक उपाय आप लोग बताऊंगा। उस उपाय से अगर आप लोग इस उपाय को कर लिए तो बिल्कुल तुरंत नज़र ख़त्म हो जाती है, और बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही सरल तरीका है। कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस एक मंत्र बोलना है जिससे आपके ऊपर जो भी नज़र लगा है, जो भी नज़र दोष है, उससे आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है, तो इसको आप लोग अवश्य करें। जब भी आपके घर में किसी भी सदस्य को या बच्चे को नज़र लगता है, तो इस मंत्र का प्रयोग आप लोग अवश्य करें, और उसका लाभ भी हमें बताएं कमेंट में आकर के, आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ, इसका ध्यान आप अवश्य रखें। आप लोग इस मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही गौर के साथ इस मंत्र को पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, कहीं कोई शब्द जो है त्रुटि ना हो, कोई शब्द गलत ना हो। तो आइए एक बार पहले गुरु को स्मरण करते हैं। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम शारदादेव्यै नमः। श्याम गौर सुंदर दो जोरे, निरखहि छवि जन नेत्रिन तोरी। श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र को आप लोग, इस दोहा को आप लोगों को बोलना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी का भी उल्लेख है, तो आप लोग एक बार बांके बिहारी खाटू श्याम के अपने मन में स्मरण कर लेंगे, फिर आप इस मंत्र को बोलते हुए जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, तो आप जब मंत्र बोलेंगे, एक चम्मच में जल ले लें, उसमें गंगा जल मिला लें या किसी पात्र में भी ले सकते हैं, फिर इस मंत्र को बोल करके उस जल में फूंकना है। मंत्र बोलेंगे और जल में फूकेंगे, फूंक मारेंगे, जिससे कि जो मंत्र की शक्ति है, जो मंत्र का वाइब्रेशन है, उस जल में जाए। तो आप लोग इस प्रकार से कम 11 बार इस मंत्र को बोलेंगे और ध्यान देंगे। मंत्र बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, मंत्र में आपसे गलती न हो पाए, इस बात का गौर अवश्य देना है, ध्यान अवश्य देना आप लोगों को। फिर एक एक मंत्र बोल करके उसमें फूंकते रहेंगे, जिससे कि जो मंत्र की शक्ति है, जो वाइब्रेशन है, उस जल में जाए। तो जल के द्वारा जिसको भी नज़र लगा है, सामने वाले व्यक्ति को, उस मंत्र को पढ़ करके आप उनको पिला दें। एक बात का ध्यान और देंगे, जब किसी को नज़र लगता है तो स्वयं उसको न करें, क्योंकि जब किसी को नज़र लगता है, किसी उसकी शक्ति जो होती है छिड़ हो जाती है, उसका जो पॉजिटिव तत्व होता है शरीर में, वो निगेटिव में बदल जाता है। तो जिसको नज़र लगा है वो खुद ना करे, किसी और से करवा दे, इससे कि इसका पूर्ण लाभ आपको मिल सके, और आप लोग इसका प्रयोग अवश्य करें। बहुत ही चमत्कारिक लाभ है इसका। हम लोग कई लोगों के ऊपर इसका प्रमाण देखे हैं और कई लोगों को इससे फायदा हुआ है। वो लोग जब भी नज़र लगता है तो इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं, इसी मंत्र से अपना नज़र उतार लेते हैं। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो लेकर के आएँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो, आप उसका लाभ ले सकें। और हमारे चैनल पर आप केवल धार्मिक वीडियो पाएंगे, कुछ भी आप व्रत त्यौहार क्रमकांड वास्तु से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर आप इससे अतिरिक्त कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमसे नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने गृह बाधा के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने नौकरी कारोबार बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं,
अपने बच्चों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने वास्तु दोष, ग्रह शांति, गृह क्लेश, कर्म कांड संबंधित, ज्योतिष संबंधित कुछ भी अगर आपको जानकारी लेना हो, निसंकोच इस नंबर पे बात करके, संपर्क करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। कमेंट में आप लोग जय श्री राधे अवश्य लिखें। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, अगली वीडियो हम बहुत ही जल्दी ले करके आने वाले हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।